दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय मिरासर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज़्यादा सेक्स करने से या ज़्यादा हस्त मैथुन करने से क्या वीर्य में कमी आती है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ज़्यादा हस्त मैथुन या सेक्स करने से वीर्य में कमी आती है कि नहीं आती है। देखिए भाई, देखिए जो वीर्य है ना, वह निरंतर हमारे शरीर में बनता रहता है, जो कि बनता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स होते हैं, जो नलिकाएं होती हैं शुक्राणु वाली, उनके अंदर जो है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये होता कैसे है, जब शरीर में, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होगा तभी शुक्राणु बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखो भाई, जब बने हैं तो इनको शरीर से निकलना है, ठीक है। ये प्रक्रिया हमेशा बनती रहती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम हस्त मैथुन करते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं तो हमारे शरीर में इसकी कमी आएगी। भाई ये बनेगी तो बाहर आएगा, इसकी कमी नहीं आएगी क्योंकि बनती रहती है निरंतर, ठीक है। मैं हस्त मैथुन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको साइंटिफिक नज़रिए से, ठीक है, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसा समझ लेते हैं कि जब हम जो हमारे मुंह में जो लार है ना, इसको हम बार बार थूकते रहें फिर भी हमारे मुंह में लार बनता रहेगा। उसी तरह जो स्पर्म है हमारे शरीर से निकलता रहे फिर भी वो बनता रहेगा, बनेगा तो निकलता रहेगा, ठीक है। अब रही बात ये कि भाई जो शुक्राणु है, ठीक है, निकलने के बाद शरीर में कमजोरी सी आती है क्या, शरीर कमज़ोर हो जाता है क्या ज़्यादा हस्त मैथुन करने से या ज़्यादा सेक्स करने से, तो भाई ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपके मेंटेलिटी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितना निगेटिव सोचते हो। देखो भाई, ये है कि भाई जो शुक्राणु है, ठीक है, वह उसमें फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, उसमें एनर्जी है, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप कमज़ोर पड़ जाओगे, वो बनेगा तो भाई शरीर से निकलेगा, ठीक। लेकिन लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं जब स्पर्म निकलता है। देखो भाई, दो तरह का जो है कि सेक्स होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में क्या होगा, पार्टनर के साथ आप, ठीक है, इंजॉय करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप बेड पर लेटे रहते हो। जब स्पर्म स्खलित होता है तो आपको थोड़ा सा रेस्ट, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो आप सो जाते हो, तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होती। लेकिन हस्त मैथुन करने से क्या होता है कि दिन में भाई दो बार तीन बार भाई वैसे ही भाई नॉर्मली है लोग कर देते हैं, ठीक। तो होगा क्या कि भाई हस्त मैथुन करने के बाद बॉडी को रिलैक्स चाहिए, ठीक है, बॉडी को आराम चाहिए, तो भाई व्यक्ति सोता नहीं है, वह काम करने लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, वीकनेस महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई शरीर से जो स्पर्म निकल रहा है इसके चलते आपको कमजोरी आ गई है। वह जो कमजोरी है ना, वो आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि भाई आपने सोच लिया यार मैंने समझ मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ यार, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, तो सचमुच में आप कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है, अगर आप हस्त मैथुन नहीं करते हो या सेक्स नहीं करते हो तो जो स्पर्म है वो अपने आप भी बाहर आता है। थोड़ा इसको मैं ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कोई टंकी है, ठीक है, अगर उसमें आधा पानी भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा पानी भर गया फिर एक्स्ट्रा और पानी उसमें भरा जाए तो वो क्या होगा, बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी तरह जो स्पर्म है वो हमारे शरीर में बनता रहता है, ठीक है। अगर वह स्पर्म शरीर से बाहर ना निकले तो कभी कभी स्वप्न दोष आ जाते हैं ना, तो ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि लोग कहते हैं कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, अगर एक बार निकल जाए तो 2 महीने का खाया पिया हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आप खाते हो तो आपके शरीर में, ठीक है, कई आपकी बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है, भोजन से ऊर्जा मिलती रहती है, पूरा आपका शरीर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल वो स्पर्म के लिए वो जो खाना है उसकी जो एनर्जी यूज होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये है कि थोड़ी बहुत यूज तो होती है, लेकिन जो स्पर्म है वो नेचुरल प्रोसेस है। इस तरह आप समझ गए कि भाई जो हस्त मैथुन या सेक्स करने से या ज़्यादा सेक्स करने या हस्त मैथुन ज़्यादा करने से जो स्पर्म में कमी आती है कि नहीं आती है, ठीक है, ये समझ गए। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि ये हो सकता है कि दिन में 2 बार 4 बार अगर कोई व्यक्ति करता है तो भाई उसकी जो मात्रा है वो कम आ सकती है, लेकिन उसकी बनने की एक टाइमिंग होती है ना, एक टाइम होता है कि इतना टाइम लगेगा इसको बनने में। टंकी मान लीजिए है कोई 1000 लीटर का, तो उसमें पानी भरने में 1 घंटे का टाइम लग रहा है, तो 1 घंटा टाइम रहेगा तभी तो फूल होगा, तभी तो ज़्यादा आपको पानी मिलेगा। लेकिन भाई टंकी फूल हुई नहीं और आपने क्या कर दिया, मोटर बंद कर दिया और पानी निकाल ले तो कम पानी मिलेगा ही आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब स्पर्म को बनने में 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, 1 दिन 2 दिन का टाइम लग जाता है भाई, उसकी मात्रा
अवेलेबल होने में, और तब जाके स्पर्म शरीर से बाहर निकलेगा तो उसकी जो मात्रा होगी वह ज़्यादा आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई ठीक है, हस्तमैथुन करने से या ज़्यादा सेक्स करने से जो है कि स्पर्म कम होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये आपका मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को ठीक है एनर्जी के साथ महसूस करते हो, पॉजिटिव सोचते हो, बिल्कुल आप पॉजिटिव हो। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो व्यक्ति होता है ना, जो पुरुष होता है, वो जीवन भर स्पर्म निकालने की उसके पास क्षमता होती है, ठीक है, मरते वक्त तक, बुढ़ापे तक वो व्यक्ति ठीक है अपने शरीर से स्पर्म स्खलित कर सकता है। तो आप ठीक है ऐसे ठीक है अफवाह में ना आए कि भाई ज़्यादा सेक्स करने से, हस्तमैथुन करने से जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और स्पर्म में कमी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद बस यही था कि आपको ठीक है आपके जो भी माइंड में जो भी सेटअप है उसको क्लियर करना और आपको समझाना, ना कि हस्तमैथुन या सेक्स का प्रमोट करना, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।